आप सब लोगों ने अपने घर के बाहर कभी ना कभी ये आवाज तो जरूर सुनी होगी। ये आवाज हमें सुनने में बिल्कुल पायल जैसी लगती है, और इन आवाजों का सिलसिला कुछ नया नहीं है। इवन अगर आप अपने दादा या दादी से इन आवाजों के बारे में पूछोगे तो वो भी अपने कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस या फिर भूतिया कहानी आपको जरूर सुनाएंगे। इस पायल की आवाज के पीछे डिफरेंट डिफरेंट माइथोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं ये कोई पायल पहनी भी कोई चुड़ैल होती है, या फिर बहुत सारे लोग इसे जिन मानते हैं, कुछ लोग इसे शैतान मानते हैं और कुछ लोग प्रेत मानते हैं। लेकिन हम आज साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे कि इस आवाज के आने के पीछे का साइंस क्या है, और ये आवाज आ कहां से रही है, और ये आवाज क्या सच में किसी एंकल विच की है या फिर ये कोई इंसान है। वेल, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये पायल की आवाज वाला एक किस्सा हो चुका है। ये बात है आज से एक साल पहले यानी 2021 की। ठंडों का टाइम था और लगभग रात के 3 बज रहे थे, और अचानक ही मुझे जोर जोर से पायल की आवाज आने लगी। मैंने उठकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने लाइट्स ऑन करी, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद ये मेरे दिमाग का कोई भ्रम है, और उस दिन मैं सो गया। लेकिन उसके अगले 3-4 दिन तक मुझे कंटिन्यू किसी पायल की आवाज आई। मैं रोज उठता और रोज बाहर जाके देखता कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। और उसके बाद इस आवाज का किस्सा मेरी पूरी कॉलोनी में फैल गया, क्योंकि ये आवाज सिर्फ मुझ तक नहीं थी, ये आवाज पूरी कॉलोनी के लोगों को आ रही थी। और लोगों का तो काम है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। बहुत से लोग बोले कि हमारे पड़ोस में किसी की स्प्रिट है ये, कुछ लोग इसको चुड़ैल, कुछ लोग इसे जिन, और तरह तरह की बातें एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगी। लेकिन मुझे इसको लेके बहुत ज्यादा उत्सुकता थी कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आज रात सोऊंगा ही नहीं, और मैं देखूंगा कि इस आवाज के पीछे का कारण क्या है। और फाइनली 3 बजे के बाद मुझे अचानक फिर से पायल की आवाज आई, और इस आवाज को सुनते ही मैं फौरन दरवाजे के पास भागा। जैसे ही मैंने गेट खोला, मैंने अपने सामने एक परछाई देखी, और वो परछाई बस कुछ सेकंड मुझे दिखी, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे सुबह तक नींद नहीं आई, और मैं यही सोचता रहा कि आखिर वो परछाई थी किसकी, क्योंकि उस टाइम मैं भी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। मुझे भी लगा शायद मेरे पड़ोसी या मेरी कॉलोनी वाले ये सब सच बोल रहे हैं। उसके बाद 2022 तक मैं यही सोचता आ रहा था कि एंकल विच सच में होती है। लेकिन फाइनली जैसे जैसे मेरा साइंस में इंटरेस्ट बढ़ता गया, वैसे वैसे मुझे बिलीव होने लगा कि घोस्ट या स्प्रिट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो फिर से मेरे अंदर उत्सुकता जागी कि मैंने आखिर जो परछाई और जो आवाज सुनी थी वो क्या थी। और बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद फाइनली मुझे पता चला कि वो आवाज मुझे आती कहां से थी। और अगर मैं दोस्तों सच बताऊं, उस आवाज के पीछे का अगर रीजन मैं आपको बताऊंगा तो आप सच में हंसोगे, क्योंकि वो रीजन जानने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा हंसा था। और उस आवाज का रीजन था ये कीड़ा। जी हाँ, सच में दोस्तों, मुझे इसका एग्जैक्टली नेम तो नहीं पता, लेकिन यही कीड़ा ऐसी आवाज निकालता है जो हमें बिल्कुल पायल जैसी लगती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कीड़ा आवाज किस तरह करता है। सुना आपने, इसकी आवाज बिल्कुल एग्जैक्ट पायल जैसी होती है, और क्योंकि रात में ये आवाजें गूंजती हैं तो हमें और ज्यादा क्लियर सुनाई देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे जो परछाई दिखी थी वो क्या थी। एक्चुअली दोस्तों 3-4 दिन से मैं इसके बारे में कंटिन्यू सोच रहा था, और मेरा दिमाग ये चाहता था कि मुझे कोई ऐसी चीज दिखे, तो बस कुछ नहीं था, वो मेरा एक हेलुसिनेशन था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं, और बताएं इस आवाज ने आपको कितना परेशान किया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।